किसान भाइयों नमस्कार। आज आपको बताएंगे धनिया की खेती के बारे में A to Z विधि, जो कि गर्मी के मौसम में आप कैसे लगा सकते हैं और इससे कितना ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, यही समझिए। जो आप अभी जो धनिया खाते हैं वो तो ठंड वाला है, ठंड वाला में तो थोड़ा कम ही आता है, आपको 10-5 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन गर्मी में किलो के हिसाब से बिकने लगता है, तो वो किलो के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। जो आज आप बना रहे हैं उसका 10% ही मिलेगा आम दिनों में, जितना पैसा में आज मिल रहा है, यही से समझ जाइए। धनिया की खेती कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसका बीज चुनाव करना होगा। बीज आप किसी भी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं, ठंड वाला धनिया का गर्मी में बुआई नहीं होता है, इसके लिए हाइब्रिड बीज लेना होगा और 2-3 कटिंग उससे आराम से हो जाता है। जैसे आपको गेहूं मक्का में कटिंग आया है वैसे ही आता है, और वो खाने के लिए ही आता है, खाने वाला कटिंग अलग आता है, उसका बीज अलग आता है, और गर्मी ठंडा वाला अलग आता है, वही गर्मी में छीट आता है। ठंडा वाला जो हाइब्रिड वाला आता है उसी ही गर्मी में छीटा जाता है, वो 4-5 कंपनी का नाम बता देंगे, वही का ले लीजिएगा। एक आता है इंडो, 5-7 कंपनियों के बता रहे हैं, नामधारी का आता है सुरभि करके, ये भी बहुत अच्छा सीड बनाती है, और ये भी 50 से 55 दिन में 2-3 कटिंग आराम से हो जाता है, और इतना ही पतला कटिंग करे। एवर गोल्डन ग्रीन सीड्स के नाम से आता है, सुपर ग्रीन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी कटिंग अच्छा हो जाता है, इसका भी 4-5 कटिंग कर ले। इंडो अमेरिकन का भी हाइब्रिड सीड आता है, बहुत अच्छा ये भी कंपनी है, और क्योंकि अमेरिका से कंपनी है तो ये भी कटिंग बहुत अच्छा देता है, और गर्मी के दिनों में भी लगाया जाता है। इसका आप लगाने के लिए आप एक जगह थोड़ा बीज रख दे, एक हाथ पे फिर थोड़ा बीज रख दे, चाहे 5-7 उंगली पे ऐसे ही करके लगा सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, और एक जगह 2-3 बीज रख दीजिएगा, दूसरे जगह भी 2-3 बीज ऐसे ही करके लगा दीजिएगा, तो कटिंग करने में आसानी होगा, निराई गुराई में भी आसानी होगा। चाहे जैसे मैं ये रो में लगाया हूँ, ऐसे बीज क्यारी बना के डाल सकते हैं, और ये भी बहुत अच्छा होता है। एक जो होता है धनिया उसका 2 दाल होता है, दोनों दाल अलग अलग प्लांट जनरेशन होता है, और ऐसे भी लगा सकते हैं। बीच में देखिए कैसे लगाया गया है, और उसमें आप नीचे बिछा के ये जो होता है ड्रिप इरिगेशन उससे भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा कामिल हो जाता है। खेती कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसका बीज चुनाव करना होगा। बीज आप किसी भी अच्छी कंपनी से ले सकते हैं, ठंड वाला धनिया का गर्मी में बुआई नहीं होता है, इसके लिए हाइब्रिड बीज लेना होगा, और 2-3 कटिंग उससे आराम से हो जाता है। जैसे आपको गेहूं मक्का में कटिंग आया है वैसे ही आता है, और वो खाने के लिए ही आता है, खाने वाला कटिंग अलग आता है, उसका बीज अलग आता है, और गर्मी ठंडा वाला अलग आता है, वही गर्मी में छीट आता है। ठंडा वाला जो हाइब्रिड वाला आता है उसी ही गर्मी में छीटा जाता है, वो 4-5 कंपनी का नाम बता देंगे, वही का ले लीजिएगा। एक आता है इंडो नेपाल करके कंपनी है उसका, और एक इंडो धनिया को निराई गुराई पे ही रखना चाहिए, निराई गुराई पे ये आसानी से लग जाता है। और निराई गुराई के सिंचाई की बात करें, आपको 2-3 सिंचाई तो आराम से कर देना होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, 15-15 दिन पे सिंचाई करना होगा, जैसे जनरेशन हो जाए उसके 15 दिन बाद करना होगा, फिर 15 दिन बाद, और 30 से 35 दिन में आवश्यक निराई गुराई हो जाना चाहिए, दूसरी निराई गुराई 60 दिन पर होना चाहिए, और पौधे का बढ़वार अच्छी होने के साथ साथ खरपतवार भी नष्ट कर देना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के पेनिड्रिप मिथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टेयर से 600 लीटर में मिलाकर अंकुरण से पहले छिड़काव करें, और अंकुरण के बाद ही ये छिड़काव नहीं किया जाता है। पेनिड्रिप मिथाइलिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर जैसे ही आप छिड़काव कीजिएगा, और तब ये अपने आप जनरेशन होने लगेगा, उसके बाद देखिएगा बहुत आसानी से जनरेशन हो जाता है, और इसका निराई गुराई यही है, और निराई गुराई करते रहिए, नहीं तो ये पीला, अगर दवा का ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा तो ये पीला हो जाएगा, और इसमें थोड़ा असर पड़ जाता है। और बुआई का विधि की बात करें, 25 से 30 सेंटीमीटर के कतार की दूरी रखें, और 5 से 10 सेंटीमीटर के पौधे की दूरी रखें, ऐसे ही करके बीज 1-2 करके असिंचित भूमि में 6 से 7 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, और सिंचित भूमि में 1.5 से 2 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। ज़्यादा गहरा बोने से सिंचाई से बीज मोटी परत जम जाती है, और उससे बीज जनरेशन में आसानी नहीं हो पाता है। और इसका बीज उपचार की बात करें तो कार्बेंडाजिम और थीरम से बीज उपचार कर ले। बीज उपचार से तो कुछ नहीं होता है, थोड़ा बीज का मात्रा बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा बीज का मात्रा जैसे ही बढ़ाइएगा तो उसके बाद देखिएगा गर्मी के मौसम में आसानी से ये लग जाता है। और बीजोपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलो के दर से उपचारित कर देना चाहिए, दाने को 2 भागों तोड़ देना चाहिए, नहीं तो 2 भाग में जैसे ही आप नहीं तोड़िएगा तो आप देखिएगा जो
वो जर्मिनेशन उतना अच्छा नहीं होता है, और 12 से 24 घंटे आप फूलने के लिए भी छोड़ दे, हल्का सूखने पे बीज उपचार कर दे थीटम का, या आपको जो भी आपके क्षेत्र में है बहुत सारे अंकुरण वाला आता है वो भी आप लगा सकते हैं। बुआई के समय की बात करें तो आप कोई भी समय यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब जो वेराइटी है हाइब्रिड है, हाइब्रिड वाला में तो जो भी वेराइटी अच्छा आप लगा लीजिए और जो आपके क्षेत्र में अच्छा हो। और एक कटिंग आप 30 से 35 दिन में आराम से कर लीजिएगा, फिर दूसरा कटिंग वो इतना उसके 10-15 दिन बाद होगा, फिर 10-15 दिन बाद ऐसे ही करके अंतिम कटिंग के बाद बीज आप ले सकते हैं, बीज भी ले सकते हैं या बीज नया खरीद कर फिर डाल सकते हैं। और 1 एकड़ आप कीजिए, देखिए आप कितना ज़्यादा कमाइएगा। और इसका बात करें तो इसमें जुताई करने के बाद आपको इसमें 5 से 10 मतलब टन आपको प्रति एकड़ हेक्टेयर के दर से आपको गोबर की खाद देना होगा, और 5-5 मीटर की क्यारी बना देनी होगी सिंचित फसल के लिए। पानी देने के लिए निराई गुड़ाई आसानी से करना होगा, और इसका निराई गुड़ाई जितना ही अच्छा कीजिएगा उतना ही ज़्यादा पैदावार देगा। अमित पटेल नाम का एक उत्तर प्रदेश में किसान है जो 40 क्यारियाँ हर एक साल 1 बीघे में बनाते हैं, और 40 क्यारिया से वो दोमट मिट्टी में हरी धनिया की खेती करते हैं, और 800 से 1200 रुपये किलो के रूप में आप वो बेचते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। और आप भी इतना ही ज़्यादा महंगा बेचिएगा, ऐसे ही करके आप ये कर लीजिए। बंडल भी बनता है छोटा छोटा, अभी जो 5 रुपये में मिलता है वो तभी मिलेगा 50 या 60 रुपये में, इतना ही छोटा बंडल, और एक दो आपको लच्छी नहीं मिलेगा, ऐसे ही करके आप ले लीजिए। धन्यवाद ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।